कल पानी दो, पानी दो, पानी दो। गगराज अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। सीएम अंकल पानी दो, मार मार। मोदी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। मोदी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। सीएम अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। योगी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। मोदी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी। जागो जागो है सरकार प्यासी जनता करे पुकार, पानी दो हमको सरकारी। नारों लिखी तख्तियों के साथ गगनभेदी नारे लगाते हुए मंगलवार को आगरा शहर की मशहूर एनजीओ सेवा आगरा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के साथ में जल संकट के निदान के लिए वाटर वर्क चौराहा से जलकल कार्यालय तक जोरदार पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया गया। कार्यालय के बाहर खाली मटके फोड़े और महाप्रबंधक आर एस यादव का घेराव कर उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया। महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अपने हाथों की चूड़ियां उतारकर जीएम आर एस यादव को भेंट कर दी। इस मौके पर सेवा आगरा के संस्थापक अध्यक्ष मुरारीलाल गोयल पेट और संस्थापिका श्रीमती सुमन गोयल ने कहा, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका है। गंगा जल और यमुना जल होने के बावजूद शहर में जल संकट बना हुआ है। पानी के लिए मारा मारी हो रही है। जनता 1 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाने को मजबूर है। निजी टैंकर त्रस्त जनता से मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। जनता को प्रदूषित पानी मिल रहा है। शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही ने परेशानी बढ़ा दी है। अगर इस जल संकट का निदान जल्द से नहीं किया गया तो सेवा आगरा जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर और बड़ा आंदोलन करेगी। जीएम जलकल ने इस मौके पर ज्ञापन लेते हुए कहा कि ज्ञापन में लिखी गई बातें सत्य है। मैं इन समस्याओं से अवगत हूँ और इन समस्याओं के निदान के लिए जल्द से जल्द सारे प्रयास किए जाएंगे। मार मार। मोदी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। मोदी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। सीएम अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। योगी अंकल पानी दो, पानी दो, पानी दो। सर यहाँ प्रदर्शन किया गया है, लोगों की मांग है कि समस्या है कि पानी नहीं मिल रहा है, क्या आपके द्वारा यहाँ सप्लाई की जा रही है? इसमें जो है जो जलापूर्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है उसमें एक सामान्य ज्ञापन की बात ये है कि कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या, इसमें मुख्य रूप से वो क्षेत्र है जहाँ पे जलापूर्ति की व्यवस्था वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं है, यानी वहाँ पाइप लाइन नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में टैंकर से ही पानी भेजा जाना वहाँ का एक व्यवस्था होती है। जिन क्षेत्रों में वाटर सप्लाई का सिस्टम है ये पूरे शहर को दो सिस्टम में बांटा गया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से सिकंदरा से पानी जाता है। सिकंदरा ट्रीटमेंट प्लांट पे अभी 2-3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन हुआ था और वहाँ गंगा जल आ गया है, तो उससे लगभग शहर का जो जोन 1 का सिस्टम है, जोन 2 का सिस्टम है, उसमें अधिकांश क्षेत्रों में इस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक सुधार हुआ है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।